और बात कर लेते हैं राजधानी जयपुर की, जहां सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के बाहर एक वीडियो लगातार यहां का जो है वायरल हो रहा है। वीडियो में कुत्ता इंसान का कटा हुआ अंग खाते हुए नजर आ रहा है। ये नज़ारा देखकर आसपास के लोग जो मौजूद रहे वहां, वो चौंक गए, उसका वीडियो बनाने लगे। घटना है हॉस्पिटल के गेट नंबर 2 के सामने गुरुवार शाम करीब 6 बजे के। मामले को देखकर अब कई सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ये किस व्यक्ति के शव का अंग है जो यहाँ से यहाँ पर आ चुका है। नहीं, प्रशासन अपनी तरफ से पूरी तरह से इसको देख रहा है और अपने जितने भी ये अंग होते हैं इनको प्रॉपर प्रॉपर तरीके से इसका निशान किया जाता है। कल ये जो समाचार आया था इसकी हमने विस्तृत जानकारी करी है। कल ट्रॉमा ऑपरेशन थिएटर में रात्रि 10 बजे तक कोई भी एम्पुटेशन नहीं हुआ। जनरल सर्जरी ऑपरेशन थिएटर में कल दिन भर में कोई एम्पुटेशन नहीं हुआ। सिटी वेस्ट में कोई एम्पुटेशन नहीं हुआ। इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में कल रात 10 बजे तक कोई एम्पुटेशन नहीं हुआ। कल रात को 11:30 बजे और 12 बजे के बाद में 2 बिलोनी एम्पुटेशन इमरजेंसी ऑपरेशन में हुए थे, जिन्हें सुबह 7 बजे प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया गया था, उसकी रिसीप्ट है। ऐसे ही रात्रि को ट्रॉमा में एक एम्पुटेशन किया गया था जिसको सुबह 8 बजे बाद में डिस्पोज किया गया है। यहाँ से बायोमेडिकल वेस्ट से हमने पूरी जानकारी करी है, वो प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज हुआ है। जो लेके जाती है उनकी रिसीप्ट हमारे पास है। इसके अलावा हमारे सुरक्षा कर्मियों से भी हमने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी थी। सुरक्षा में वहां गए भी थे, आसपास जितनी भी दुकानें हैं वहां से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा भी मामला सामने नहीं आया। तो प्रशासन की जानकारी में ऐसा भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि कल की शाम की खबर बता रहे हैं, कल शाम तक कहीं भी कोई एम्पुटेशन नहीं हुआ था, उसके कोई अवशेष भी वहां नहीं मिले हैं। और तो हॉस्पिटल के गेट नंबर 2 के सामने की ये घटना है, इंसान का कटा हुआ अंग जिसे खाता हुआ ये कुत्ता आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है और ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। वीरेंद्र सिंह शेखावत हैं जयपुर से संवाददाता, इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। वीरेंद्र, ये तस्वीर जो सामने आ रही है, इस तस्वीर को देखकर क्या कहें, अस्पताल प्रशासन की बदइंतजामी या अस्पताल प्रशासन की लापरवाही? बिल्कुल देखिए, मैंने आपको बताना चाहूंगा कि ये कहीं ना कहीं जो प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल है उसके जो जो अधिकारी हैं उनके भी यहाँ पे नाकामी है, वो देखी जा सकती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कल शाम को 6 बजे के करीब है, एक जो सवान है यानी कुत्ता है वो इंसानी पैर का जो पंजा होता है वो लेके यहाँ पे घूम रहा था, जो कि सवाई मानसिंह अस्पताल के गेट नंबर 2 के पास की घटना बताई जा रही है। और इसके अंदर आपने विजुअल्स के अंदर, क्योंकि विचलित करने वाले हैं तो दिखा नहीं सकते, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर ये जो इंसानी अंग है आया कहाँ से, सबसे बड़ा सवाल ये है। अगर आया है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो जिम्मेदारों के खिलाफ भी कह सकते हैं कि एक्शन होना चाहिए। और इसके अलावा आपको 4 माह पहले इसी तरीके की एक घटना सामने आई थी, जिसके बाद जो है प्रशासन काफी अलर्ट मोड पे भी दिखाई दिया था। और इसको लेके जब हम जो डॉक्टर हैं यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनसे भी बातचीत हुई, तो उस दौरान उनका यही कहना था कि हमारे अस्पताल के परिसर के अंदर जहाँ पे ऑपरेशन होता है वो 2nd फ्लोर पे है और ऐसा कोई भी ऑपरेशन नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र तमाम जानकारी के लिए।